नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर का नंबर वन चैनल आप लोगों ने बनाया है, थैंक यू सो मच सबसे पहले उसके लिए। और मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं, एक तरीके से कहा जाए तो आपने हमें मुखर्जी नगर में टॉप पर ला के रख दिया, ये आपका प्यार है। पीछे आप दोस्तों देखेंगे ये नीम का पेड़ है, इस पर एक बोर्ड लगा है छोटा सा होर्डिंग, बीर पी जी लिखा है और स्टार्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा है 5,000 रुपये। 3 टाइम का इसमें फूड है और फ्री लाइब्रेरी है और फ्री पार्किंग भी है। और ये वॉइस पीजी है ओनली, यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट आना चाहते हैं जो किसी कोचिंग में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं। और जो अपनी स्टडी के लिए आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। सबसे बेहद और अच्छी बात ये है कि इसका रेंट 5,000 है, जिसमें आपको 3 टाइम फूड दिया जाएगा और वाईफाई भी इंक्लूड है और फ्री लाइब्रेरी भी है जो कि आप उसमें पढ़ सकेंगे। तो ये बेहद अच्छी बात है छात्रों के लिए। और ये रूम खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जिनका बजट काफ़ी लो होता है। और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मेल भी आते हैं, कॉल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मम्मी पापा कॉल करते हैं कि हम अपने बच्चे को मुखर्जी नगर भेजना चाहते हैं, उसके आसपास में अगर कोई रूम मिल जाए, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 777-06-82-3051, उसके बाद में सेकेंड नंबर ये है 84-23-74-81-28। इन नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो यहाँ के जो ओनर हैं डायरेक्ट उनसे आपकी बात हो जाएगी। आपका इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो इस पीजी के ओनर हैं आप उन तक पहुँच जाएंगे, बीच में आपको कोई भी लपेटे में नहीं ले पाएगा, तो ये बेहद अच्छी बात है। और हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं, किसी को बीच में आने ही नहीं देते। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे रूम हैं, ऊपर भी हैं और कुछ नीचे भी हैं, रूम नंबर भी लिखे हुए हैं, ये शायद 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं। कुछ रूम अभी खाली हैं और कुछ रूम में स्टूडेंट रहते हैं। आज ये वीडियो हम संडे को बना रहे हैं आज, और शाम का समय है तो कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे तो उनके रूम के ताले वगैरह बंद हैं। रूम आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रूम यहाँ पर होता है। और ये दोस्तों शेयरिंग रूम भी है, यहाँ पर सिंगल रूम भी है। इसकी लाइट मैं जला देता हूँ, यहाँ पर इसकी लाइट नहीं आ रही है, इसमें जलाइए एक बार आप। ठीक है, रूम में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि रूम का स्पेस किस तरीके का होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रूम इस तरीके का है, यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, ये सिंगल रूम है और पंखा भी लगा हुआ है। इस तरीके से आपको रैक दिए जाएंगे जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बिजली भी अच्छी खासी है। और यहाँ पर आपका डाउट ये होगा एक कि बिजली का बिल अलग से है या फिर इसमें ही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ही आ जाइए, आप यहाँ पर रहते हैं ना। बिजली का बिल आपके के जो 5,000 रुपये रेंट है इसमें ही इंक्लूड है या फिर आप अलग से? बिजली का बिल इसमें इंक्लूड है, अलग से कोई चार्ज नहीं है बिजली का। लाइब्रेरी आपने यहाँ पे लिखा है फ्री, ये 24 घंटे के लिए है या फिर कुछ ही टाइम के लिए है? ये नाइट में 11 बजे तक है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। ओके, आपका नाम क्या है और आप ही यहाँ पे पीजी की देखभाल करते हैं, आपके साथ एक और दोस्त हैं, वो दोनों लोग यहीं रहते हैं? हाँ, हम दोनों लोग यहीं रहते हैं। मेरा नाम आनंद प्रकाश अवस्थी है, हम केयर टेकर हैं यहाँ के। ओके, ये मुखर्जी नगर से लगभग कितने मिनट की दूरी पे है ये जगह? ये मैक्सिमम 15 मिनट में लगभग। दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट यहाँ आने में लगते हैं। एक बार मैं सामने एक रूम और खुला है वहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ रूम के ताले बंद हैं शायद, ये दोस्त अभी आपने कुछ बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल लेने गए होंगे क्योंकि आज संडे है। एक रूम यहाँ पे है और आप देख सकते हो कितना शानदार और खूबसूरत रूम है। ये बेड है और यहाँ पे एक स्लिप वगैरह भी है, एक नहीं दो दो तीन तीन स्लिप हैं जिस पर आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे भी एक और स्लिप है, एक बार आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर से दिखाइए, यहाँ पे एक स्लिप ये है और यहाँ पे है। और एक चीज़ और है जो इस तरीके की, आपको एक टेबल दी जाएगी और एक चेयर दी जाएगी, वाईफाई भी इसमें इंक्लूड है, बिजली भी इसमें इंक्लूड है, वाईफाई भी इसमें इंक्लूड है। और इधर भी कुछ अलमीरा बनाई गई है, यहाँ पर भी कुछ अलमारी हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं और इधर भी स्लिप है। अब दोस्तों ऊपर भी इसी टाइप के रूम है, इसमें सिंगल का रेंट 6,500 रुपये है और जो शेयरिंग रूम है उनका रेंट 5,000 है। 5,000 रुपये का 6,500 ही है ना? सिंगल का 6,500। ओके दोस्तों, इस तरीके के रूम है, इसमें कुछ ही रूम खाली हैं। ये वीडियो बनने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे जैसे कि आते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है, आपका बजट कम है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बीच में आपके लिए एक नीम का पेड़ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुली हवा आपको मिलेगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया भी नहीं है। ऊपर चलते हैं, ये जीना है, ऊपर भी कुछ रूम है, कुछ दोस्त रहते हैं, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे और आपको ऊपर दिखाएंगे किस तरीके का ये रूम है, यहाँ पे कैसे रूम है। ऊपर भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं तो अभी कहीं ना कहीं गए हैं।
ये एक रूम यहाँ पे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेयरिंग रूम है। जैसे हम इसमें एंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों एक बेड यहाँ पे है और एक बेड यहाँ पे है। जब कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको टेबल चेयर दे दिया जाएगा और छोटी छोटी इस तरीके की आपको रैक भी दी जाएंगी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, ठीक है। लाइट भी इसमें लगी हुई है। तो जिन स्टूडेंट का बजट कम है, जो हमें फ़ोन करते हैं उनके लिए स्पेशली ये रूम है। ऊपर पंखा लगा है, इस रूम में स्लिप वगैरह भी है एक जिस पे आप अपना सामान रख सकते हो, अलमारी भी है। अब नेक्स्ट रूम में चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये रूम खास करके उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनका रेंट, जो हमें ये कमेंट करते हैं भर भर के कि भैया कोई ऐसे रूम बताइए जिनका रेंट कम हो। तो हम नेक्स्ट रूम में आ चुके हैं और इस रूम में शायद एक दोस्त आज कल में ही आए हैं। दो दोस्त रहते हैं, उनका बैग इधर रखा है, एक का उधर रखा है, कपड़े रखे हैं और वो शायद अभी रूम से बाहर गए हैं। पंखा उनका काफ़ी तेज़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये शेयरिंग रूम है, इसका रेंट दोस्तों 5,000 है। ये शेयरिंग है क्योंकि ये सिंगल रूम नहीं है, एक रूम यहाँ है इसका। आप देखेंगे ताला बंद है, ये दोस्त शायद कहीं गए हैं अभी। और ये सिंगल रूम है, ये भी आप देखेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे हर रूम में इस टाइप की स्लिप बनाई गई है जहाँ पे आप अपना साफ़ सफाई करके अपना सामान रख सकते हो। टेबल चेयर रैक दे दी जाती है जब आते हैं आप तब। हाँ, जो नंबर स्क्रीन पे हमने डाल दिए हैं आप उन पे डायरेक्ट बात कर सकते हो, जो यहाँ के ओनर हैं उनसे डायरेक्ट उनसे ही बात कर सकते हो डायरेक्ट। आप सोचते हो कि अगर मैं कॉल करूँगा तो पता नहीं कहाँ लगेगा, हम हमेशा जो पीजी के ओनर होते हैं उनके ही नंबर डालते हैं। और यहाँ पे एक और स्लिप है जैसे कि हर रूम में होती है अंदर, जो एक बार आप आ जाइए अंदर, आ जाइए इधर दिखा दीजिए, यहाँ पे एक और स्लिप है। तो ये हर रूम में ही इस तरीके का है। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा खुला हुआ एक तरीके का आंगन है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है, शांत माहौल है। एक रूम ये है दोस्तों, ये भी रूम सिंगल है, ठीक है। इसका रेंट भी आपको 6500 देना पड़ेगा। ये भी रूम दोस्तों आप लोगों के लिए है, ये शेयरिंग रूम है। यहाँ पे देखो दो स्लिप हैं, पंखा वगैरह भी लगा हुआ है और इसमें कोई स्टूडेंट शायद पहले रहते थे। देखो यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है, उनका ऑप्शनल मैथ रहा होगा तो मैथ के फॉर्मूले की चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। बिजली का बिल आपको अलग से नहीं देना है, खाना भी इसमें इंक्लूड है, वाईफाई भी है। एक रूम ये भी है, इस लाइन में कुछ रूम ही खाली हैं। सबसे अच्छी बात यह है, देखो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो दोस्त पहले कॉल करेंगे रूम उनको ही मिलेंगे क्योंकि रूम लिमिटेड हैं और कॉल अनलिमिटेड आएंगे ये हमें पता है। तो जो लोग पहले कॉल करेंगे ये कमरे उनको ही मिल पाएंगे क्योंकि ये रूम खाली है यहाँ पे उसी तरीके से। और एक रूम ये खाली है, इसको खोल के देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो बेड हैं, लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो उनको तैयार करके पूरा गद्दे बद्दे टेबल रैक चेयर सब कुछ देते हैं। जब भी कोई आएगा तो इसको भी अच्छी तरीके से बना दिया जाएगा। इसकी लाइट जला के देख लेते हैं, पंखा और लाइट इसकी भी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रूम है ये भी। इस तरीके से दोस्तों रूम है ये शेयरिंग। अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं और चारों तरफ का आप माहौल देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे है। वॉशरूम वगैरह भी हैं, इसमें वॉशरूम वगैरह भी कहीं है। यहाँ पे एक रूम है, ये भी अभी खाली है। एक रूम यहाँ पे है तो ये भी खाली है दोस्तों। एक रूम ये है, इसकी लाइट अभी हमने जलाई नहीं है और इसका पंखा वंखा, ये भी शेयरिंग रूम है। अब ये बहुत बड़ा है, अगर आपको वाकई में आवश्यकता है ऐसे कमरों की, आप चाहते हो कि हमारा बजट कम है और हम कम बजट में रह करके स्टडी कर पाएँ, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी जो नंबर दिखाए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। मुखर्जी नगर से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर ये जगह है। आप कॉल करेंगे तो वो आपको बता देंगे जो ओनर कि किस तरीके से आपको आना है और कहाँ पे आना है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अपने भारत की आनमान शान तिरंगा भी लगा हुआ है इस पीजी में। ये हमारे भारत की आनमान शान है। इधर का ये बाहर का माहौल है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह हैं और इसके इधर भी वॉशरूम है, नीचे भी है। वॉशरूम वगैरह की आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, रूम भी हैं अनलिमिटेड तो वॉशरूम भी अनलिमिटेड हैं, लेकिन ये मिलेंगे लिमिटेड ही स्टूडेंट को। उसके बाद दोस्तों हम छत पे आ गए हैं और छत पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गांव में आ गए हैं। तो अगर आप आते हैं गांव से तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें खुला एरिया चाहिए। तो बहुत बड़ी यहाँ पे छत है और सबसे अच्छी बात है कि नीम का पेड़ है, तो आपको एकदम गाँव जैसा ही माहौल मिलेगा। हम पूरा छत पे ही आ चुके हैं ऊपर और इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पूरी आप देखेंगे एक तरीके से जिम वगैरह सी बना रखी है आपके लिए। अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो।
छत पूरी खुली हुई है और ये दोस्त हैं यहाँ पे खाना बनाते हैं आपके लिए, जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए खाना बनाते हैं। और आज देखो ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हो आज आप? भिंडी और चने की दाल। क्या नाम है आपका? कुलदीप। सुबह क्या बनाया था आपने? मैक्रोनी। और कल क्या बनाओगे? सुबह आलू पराठे। और दोपहर में क्या बनाए थे आज? दोपहर में क्या बनाया था? शर्मा रहे हैं, आप कहाँ से हो? यूपी। यूपी में कहाँ से? बहराइच जिला। राइस से हैं, भिंडी काट रहे हैं, देखो अभी भिंडी बना रहे हैं। इधर किचन है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कुछ रूम थे, हमने आपको दिखा दिया है। रेंट शेयरिंग में ओनली 5,000 रुपये है, जिसमें बिजली का बिल इंक्लूड है, लाइब्रेरी इंक्लूड है और आपका वाईफाई इंक्लूड है और खाना इंक्लूड है। अगर आप सिंगल लेते हैं तो 6,500 रुपये रेंट है। लोकेशन आपको दिखा दिया है किस तरीके की है, आपको जो नंबर दिखाए गए हैं आप डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।